पायलटों की हड़ताल से भले ही जेट एयरवेज को इस वक्त भारी घाटा हो रहा, लेकिन दूसरे एयरलाइंस की इस वक्त चांदी हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक हड़ताल की वजह से दूसरे एयरलाइंस की कमाई में कम से कम 20% की बढ़ोतरी हुई है और इसी मुद्दे पर उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को तलब किया है। 16 साल से घरेलू आसमान पर राज कर रहे जेट एयरवेज के पायलटों के सामूहिक अवकाश पर जाने से बाकी एयरलाइंस की जेबें भर रही हैं। 3 दिनों के भीतर ही घरेलू सेक्टर्स में किराया बढ़ गया है। रोजाना 24,000 यात्री जेट एयरवेज से सफर करते हैं। इनमें से 7% यात्रियों को अपनी टिकटें रद्द करवाकर दूसरे एयरलाइंस की सेवाएं लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जेट की टिकट बुकिंग में भी 30% की कमी आई है। इससे दूसरे एयरलाइंस रोजाना 8 से 10 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई कर रहे हैं। बुकिंग्स पे तो काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये फ्लाइट ओवर स्ट्राइक ओवर नहीं होगी, जब तक एक साइकोलॉजिकल फियर तो लोगों के दिमाग में है, नो वन वांट्स टू बी स्ट्रैंडेड। जेट हड़ताल की वजह से दूसरे एयरलाइंस ने अपने टिकटों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली से मुंबई का सामान्य किराया 4,500 रुपए है। इसके लिए अब एयरलाइंस 7,500 से 17,000 रुपए तक चार्ज कर रही हैं। दिल्ली बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए फिलहाल 7,000 से 18,000 रुपए देना पड़ रहा है, जबकि इस फ्लाइट का सामान्य किराया 4,500 रुपए है। दिल्ली कोलकाता के टिकट के लिए 5,000 रुपए की जगह अब 6,700 से 17,000 रुपए तक देना पड़ रहा है। दिल्ली चेन्नई का किराया 4,500 रुपए से बढ़कर 6,000 से 18,000 रुपए हो गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि गुरुवार को DGCA को ये चेतावनी देनी पड़ी कि मौके का फायदा उठाकर एयरलाइंस यात्रियों से ज्यादा किराया न वसूलें। उज्ज्वल नारायण, जी बिजनेस, दिल्ली।